हेलो गाइस, मेरी बाइक की बैटरी 0% हो गई थी। मैं डरते डरते घर पहुंचाऊँ, कहीं रास्ते में बाइक बंद ना हो जाए। मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर चला चुका हूं और अभी भी ये चल रही है। तो मैं घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा चलो टेस्ट क्यों ना कर लें, माइलेज, स्पीड और साउंड टेस्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं क्या होता है। तो देखिए, अभी ये 0% हो रखी है बैटरी मेरी। तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, टेस्ट करूँगा अपना माइलेज, स्पीड एंड साउंड। तो चलिए दोस्तों, मैं सोच रहा आपके साथ भी शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए चलाते हैं बाइक और घर के पास ही घूमेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, 2296, 2 किलोमीटर मैं लगभग चला चुका हूँ, 2.5 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 2296 किलोमीटर एट 0% रिवॉल्ट RB400 टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रोड पे, लेट्स गो। ओके, तो हो रहे हैं अराउंड 10 o'clock और मैं अपनी यहाँ रोड पे घूम रहा हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर मैंने हेलमेट नहीं पहना है, सेफ्टी पर्पज़ से मुझे ज़रूर पहनना चाहिए था मैं ऐसे, लेकिन कोई गंदी ड्राइविंग नहीं करने वाला यहाँ पर। तो कोशिश करूँगा, खाली है तो आराम से ही चलाऊँ। तो मैं ज़रा इसको आपको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखते हैं अभी किलोमीटर कितना हो गया है। ओके, 2297 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी और चलाना है मुझे, तो चलाते रहते हैं। थोड़ा आप रोड भी देख लीजिए, काफ़ी खाली है तो मैं थोड़ा स्पीड में चलाता हूँ। ओके, बाइक को जल्दी चलाते हुए चलिए। अब मैं अपने आप को भी थोड़ा दिखा दूँ कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे। ये देखिए, बहुत बढ़िया हवा चल रही है और अच्छी खासी स्पीड में चला रहा हूँ अभी मैं। तो मैं आपको अभी स्पीड भी दिखाऊँगा, पहले बस मैं इनके किलोमीटर ख़त्म कर लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया रहे। चलिए, अब मैं दोबारा चेक करने वाले हैं क्या किलोमीटर हो गया है। ओके, चेक करते हैं। ओके, 98% हो गया है। तो ओ सॉरी, 98 किलोमीटर पहुंच गया है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं किलोमीटर इसका। तो चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, मैं फर्स्ट इसका जो स्पीड रेंज होता है पहला वाला, फर्स्ट पे ही चलाऊंगा, सेकंड पे नहीं। तो देखते हैं, मैं एक्सलेट कर रहा हूँ, एक्सलेटर थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं करता है जब 0% हो जाती है। तो 35, ये रोड भी देखनी है, 36, 37, ओके गुड। तो अभी रोड भी देखनी होती है हमें, थोड़ा स्लो डाउन करना होगा। ओके, तो थोड़ा भीड़ वाला इलाका आ गया है तो मुझे यहाँ पर स्पीड स्लो करनी होगी। तो 37 काफ़ी अच्छा है, अगर आपको मान लिया 0% पे आपका बैटरी चल रही है और इतनी स्पीड है, आप कितने किलोमीटर चला सकते हैं वो देख ही रहे हैं हम लोग। बाय द वे, अगर आप गूगल करते हैं तो आपके नियरेस्ट कहीं पर भी है, आपको 3 से 5 किलोमीटर के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट जरूर मिल जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ने फ्रॉम जुलाई कहा है कि दिल्ली के पास तकरीबन 879 व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होंगे, जहां पे आप 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। अब तक बाइक में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, साउंड और आप स्पीड और आप ये सब देख ही रहे हैं और किलोमीटर माइलेज जो है बहुत बढ़िया दे रहा है। तो चलिए किलोमीटर देखते हैं, इट्स अ 2299। तो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे इंडिकेशन मिला था 2294 पे, अब ये 5 किलोमीटर चल चुका है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए कि कहीं मैं दूर से धक्का मारते हुए लेके आऊँ। तो मैं घर पे आ गया हूँ और ये बहुत अच्छा माइलेज मिला है मुझे। आपने सब कुछ देखा, साउंड वाउंड भी काफ़ी बढ़िया है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है मुझे। तो अब मैं देखिए इसका जो किलोमीटर 2299 किलोमीटर पे, अब मैं से 0% पे चार्जिंग पे लगाऊंगा और ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही 30% चार्ज करके दे देगी। ये है मेरा चार्जर और मैंने इसे ऑन कर दिया है, रेड पे ये चार्जिंग पॉइंट चार्जिंग हो रहा होता दिखाता है और ग्रीन हो जाती है, दैट मीन्स इट्स डन। जिस हिसाब से बाइक में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था ये 5 किलोमीटर और चल लेगी, 10 किलोमीटर आराम से दे देगी, लेकिन मैं ऐसे कोई टेस्टिंग नहीं करना चाहता, 5 किलोमीटर मोर देने में। तो बढ़िया है, तो मैं इससे चार्जिंग पे लगा देता हूँ, आई मीन चेक करता हूँ, चार्जिंग पे लगाई दी। ये देखिए, ये है साउंड इसका, बड़ा ज़बरदस्त सा रहता है, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि 5 किलोमीटर 0% पे बिना किसी प्रॉब्लम के चली, और भी चल सकती थी लेकिन मैं धक्का नहीं लगाना चाहता था। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर थोड़ी सी भी हेल्प करती है ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंजॉय करें। थैंक यू, बाय बाय।